तीन प्लान कैंसिल के बाद फाइनली हमारा एक प्लान डिसाइड हुआ। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मंचला सौरभ के एक न्यू फ्रेश व्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं ऋषिकेश। क्या हुआ, हो गया? उन्होंने दिखा दिया फिर चल तगड़ी चेकिंग चल रही है। तुम्हारे भाई ने चौड़े होके सब दिखा दिया। कॉन्फिडेंस ही अलग होता है जब सब पेपर होते हैं। अंदर आगे और पार्किंग का तो कुछ है नहीं, हमने तो रोड पे लगा दी। साहब वहाँ अलग ही ईडीएम चल रहा है भाई, वहाँ देखो। अरे हाँ, आपके बहन भी तो बैठी है। यहाँ हैंकर ये टाइम पास कर रहे हैं, इनकी फोटो ही पूरी नहीं हुई, इनकी फोटो ही पूरी नहीं। और वहाँ बंदे ने ईडीएम बजा के बूफर फाड़ रखे, यहाँ तक बुम बुम आवाज आ रही है ना। चला काकू, मैंने तो पूरा पुली हिला रही। अबे ओ तू भाग। ओ जी, गाने तो अभी भी एकदम चालू है। रात के बज चुके हैं 10 और होटल का कुछ वो नहीं है ठिकाना। भाई बड़ी मुश्किल से 1 घंटे ढूंढने के बाद होटल मिल चुका है। गाड़ियाँ खड़ी करनी है। गाइस में भूख लग रही है, नहीं लग रही? बहुत ज्यादा भूख लग रही है गाइस। खिला दो भैया जी, खड़े जाओ भैया जी, यहाँ पे खा लो। तब तक खाएंगे बहुत सारा खाना। चले क्या? चलो खाना खाने चलते हैं। चलो गाइस, कटोरियाँ इतनी अच्छी थी कि हमें दोबारा साफ करनी पड़ रही है। और ये भी इतना अच्छा दिया इन्होंने कि हमें दोबारा साफ करना पड़ रहा है। व्लॉग में हमें डालते हैं। दीदी को बर्तन धोना ही पसंद। चलो टूट पड़ो, टूट पड़ो। तुमने बेइज्जती करा रही है यार, ये कैसा चश्मा है यार? एक महीने बताओ, वो बेचारे इतने दूर से भागा भगा कर। दीदी तुम्हारा चश्मा छुड़िया की दिया था रिटर्न गिफ्ट। अरे भगवान, उसने दया खाई होगी। कौन आए ये ऐसे? ये कैसा चश्मा है? सारा भाई आपका चश्मा। मेरा नहीं है, ये तेरा ही है। पकड़ो इसे, पकड़ो इस लावारिस को भयंकर, एक आंख वाला समुद्री डाकू का चश्मा है ये। अलग ठंडी लग रही। ओ भाई ठंडा हो रहा इतना, और इन्हें आइसक्रीम खानी की बड़ी है। कैसा लग रहा है आपको डोम्स में पहला एक्सपीरियंस? एकदम मजे आ रही है। अबे क्या कर रही है? तो दिखा दे भाई, तो देख नहीं रहा। जिसको मिलना था मिल गया भैया। वो रही होती जमीन पड़ी चीटी। The next morning. Good morning, स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग में। This is Sunday morning. भारी दिक्कत है भाई यहाँ पे पार्किंग में गाड़ी बाहर निकालने। कुछ सड़क में ही है, कुछ यहाँ है, ये भी किसी ने अड़ा दी। चल मैं निकालता हूँ। सुप्रभात, देखो नजारा। ये यहाँ पे सुबह सुबह ही मेकअप स्टार्ट हो गया इनका। और वो क्या ही है, व्हाट इज दिस? मतलब सुबह सुबह ही 5 मिनट का नदी किनारे बैटरी नहीं है तो मैंने
चार्जर लगा रखा है, पावर बैंक के साथ कनेक्ट कर रखा है। देखो तो भाई देखो दीदी स्टार्ट हो गई। अरे वो कैसी लग टोस्ट वाले चाहिए भाई, उन्हें सूखे ब्रेड नहीं चाहिए। अरे दिखा रहे क्या? हमें दूर से एक गंगा नदी में छोटा सा शिवलिंग दिखा, पानी के अंदर है लेकिन वो देखते हैं। कूद मारना है यहाँ से। हाँ उड़ूं हो गई थी नहीं देखा तू पहले नीचे तो आ जा, ऊपर का बात सोचे। रिफ्लेक्शन कितना प्यारा लग रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ तुझे, यहाँ कैसे जाएगी? यहाँ से चल दे। वो कहाँ गया? वो रहा। पावन गंगा, ये पापी बोल रही है कि मेरे लिए गंगा जल ऊपर ले आओ, कि आपको नीचे आना पड़ेगा। आपको पाप धुलने हैं तो आपको स्वयं नीचे आना पड़ेगा। आपके घड़े भर चुके हैं पाप हो गए। देख लो इनको, ये फोटो खिंचाने अपनी जान को जोखिम में डाल रही है। इनको तैरना तो आता नहीं बहन, वैसा पत्थर है वो क्यों यही रह ले तू, तेरी वहीं से खींच देंगे फोटो। नहीं भी मगरमच्छ पानी में गया, छिपा है। बहुत बढ़िया जगह, भैया कह रहे कि बहुत गहरा है भाई यहाँ पे, कोई जिसको तैरना आता होगा। यहाँ पे तो चल रहे हो ना तुम, यहाँ पे तो इतना है तुम्हारे, 5-5.5-6 feet तक है यहाँ पे। एक मगरमच्छ पानी में गया छपा है, सुन लेगा वो अभी डस लेगा। तो जी हमें हो चुका है 2 घंटे, सुबह सुबह आए थे, दोपहर होने को आ गए, लेकिन इसकी मिन्नी और इसकी ये फोटो ही पूरी नहीं हो रही। और ये तीनों है, ये दोनों नंबर में लगेंगे कब हमारी फ़ोटो खींचेगी। और हमारे एक और भाई है, वो तो परेशान हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए कैमरा लेके। हर्षित भाई कहाँ चले गए? भाई को बोलता हूँ फोटो ही खींच दो फिर। हेलो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून होने वाला है अब तो। अभी नहीं हुआ है भाई, अभी नहीं हुआ ना भाई। वहाँ पे अंकल ना बहुत प्यारी फ्लूट बजा रहे हैं, और मैं रिकॉर्ड करके आता हूँ अगर हो सकी तो। पता नहीं अब अंकल बजाएंगे या नहीं बजाएंगे। बार तो पूरा यहाँ तक पानी था, यहाँ ऊपर ऊपर तक, और अब नहीं है। अब पानी भी वो काफी ऊपर आ चुकी है अब। इन्हें तेज धूप हो रही भाई, खजली खजली सी होगी। चलें इसको मत पहनना, इतनी गर्मी हो रही। ला वो दियो उसे पकड़, ग्लव्स दे। कहाँ से होंगे वो? ठंडी पड़ेगी। आगे रखा हुआ है ना मैं। हम निकल रहे हैं सर्वजनी घाट से, भाई काफी गर्मी हो रही है। अब तो ऐसा लग रहा है कि बस गंगा जी में छपाक मारने की देरी है, इतनी गर्मी हो गई है। हमारे दो साथी रास्ता भूल के वो हरिद्वार वाली रोड पे चले गए, और वो खुलता है नेपाली फार्म, उन्हें मुड़ना था पुल के जस्ट बाद देहरादून के लिए, और हम उनका वेट कर रहे हैं यहाँ पे खड़े होकर ऋषिकेश के बस अड्डे में। अभी फोन किया वो आएंगे। धूप से को इतनी तेज धूप है भाई, टैनिंग देने वाली गर्मी से बेहाल।
क्या क्या? सोडा शिकंजी। एक सोडा शिकंजी। एक सोडा शिकंजी का। तेरा? नींबू पानी। तेरा? नींबू पानी। नींबू पानी। तेरा? तो मैं लेमन सोडा पी लेता हूँ। तो दो नींबू पानी है, एक लेमन सोडा, एक लेमन सोडा है, और एक सोडा शिकंजी। एक सोडा शिकंजी। भैया मेरे लिए भी एक नींबू पानी। आज नींबू पानी हमारा भाई बनाएगा हमारे लिए। मेरे भाई का ठेला है ये। ये नाम क्या है? माधव जलजीरा शिकंजी। QR दिखा दो कि नहीं, इसमें नहीं है। बस यहाँ पे वेट कर रहे हैं हम उनका, वो पेट्रोल भराने पेट्रोल पंप पे रुके हैं, फिर यहीं से निकलेंगे। मियाँ वाले से ना बहुत जाम लगता है, एक यहाँ से भी जाता है कुआं वाला से अंदर ही अंदर, वहाँ से ठीक है रास्ता, वहाँ से जी। हम फाइनली घर आ चुके हैं और अब जस्ट डेटा कॉपी कर रहे हैं, फिर टाइम नहीं मिलता क्योंकि काफ़ी लास्ट डेटा है, कुछ कैमरे का है, कुछ फोन्स का है। हेलो, वेलकम बैक। तो हम घर पहुंच चुके हैं और इसी के साथ हम करते हैं अपना व्लॉग समाप्त। आई होप आपको मज़ा आया होगा।